आप इसको चपाती, नान, स्टीम्ड राइस किसी के साथ भी खाएं, आपकी मटन हांडी बनके रेडी है। नाइस परफेक्ट कलर ना, देखिए मेरी मटन हांडी बनके एकदम परफेक्टली रेडी हो गई है। पहले एक पतीले को गर्म करते हैं, उसमें ऐड करूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल एज रिक्वायर्ड। ऑयल हीट हो चुका है, अब इसमें ऐड करूँगी इनको, मैं गोल्डन ब्राउन कलर होने तक ही फ्राई करूँगी। अनियन अच्छे से गोल्डन कलर में छोटे हो चुके हैं, इनको एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी। सारे मैं अनियन को प्लेट में निकाल लूँगी। फ्राई किए हुए अनियन को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर इसको मिक्सर जार में डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जब तक अनियन ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाला रेडी कर रहे थे। मैंने लिया 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर कॉर्न, 1/2 इंच सिनेमन स्टिक, 4 से 5 ब्लैक कार्डमम, 5 to 6 ग्रीन इलायची, 7 to 8 क्लोव्स लिए, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड, 1/2 और ऐड करूँगी। अब सारे मसालों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। मेरे को फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, एक दरदरा सा पेस्ट मैं रेडी कर लूँ। एक दरदरा सा पेस्ट मैंने रेडी कर लिया, फाइन नहीं किया हुआ है। इसी जार में मैंने ठंडे हुए प्याज को डाल दिया, अब इसको भी एक फाइन पेस्ट रेडी कर लूँगी। ब्राउन अनियन का पेस्ट देखिए बन के एकदम रेडी हो गया है। सेम पैन को मैंने हीट किया, ऐड किया मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ना मटन बहुत काफ़ी अच्छे बनते हैं, मैं उसको ही यूज़ अब तड़का दूँ। थोड़ा सा लहसुन और पानी को और हम तड़का देंगे इसका। मैंने 3 से 4 बे लीफ्स दिया है, 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, सम सिनेमन, 1 नटमेग, सम जावित्री, सम ब्लैक पेपर कॉर्न, 3 ब्लैक कार्डमम और 5 to 6 ग्रीन कार्डमम का मैंने तड़का इसमें दिया है। 2 सेकेंड के लिए इसको सॉटे करेंगे, जब तक इसमें हमको नाइस एरोमा ना मिल जाए तब तक हम इसको सॉटे करेंगे। अब ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून एंड 1 मोर 3 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक। हम इसको तब तक सॉटे करेंगे जब तक कि जिंजर का कच्चापन खत्म ना हो जाए। ऐड टर्मरिक पाउडर, ऐड रेड चिली पाउडर 1/2 और सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं। अब ऐड करूँगी अनियन का पेस्ट जो मैंने रेडी किया हुआ था। लहसुन, ये मसाला जो मैंने रेडी किया था, और सारी चीज़ों को धीमी आंच पे मिला देंगे। एड टोमेटो प्यूरी, 2 टेस्ट सॉल्ट, 1/2 आवर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ऐड करूँगी मटन के पीसेस को। हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे कुक होने के लिए रख देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स चेक कर लेते हैं मटन अपना एक पानी रिलीज करता है डालने के बाद। अभी मटन अच्छे से फ्राई भी हुए हैं, इनको हम 10 से 5 मिनट और धीमी आंच पे कुक करेंगे और इसको कवर कर देते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए अगेन इसको हम कुक होने के लिए लगभग 35 मिनट्स हो चुके हैं। मटन मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वाटर, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको जितना खाना है और थिक ग्रेवी चाहिए पतली ग्रेवी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट हाँ इतना वाटर ऐड कीजिए कि जिससे ये गले। इसमें मैं
और ऐड करूँगी। अब मैं इसमें होल गार्लिक पूरी डाल दूँगी। मैंने 3 पीसेस लिए हैं, आप जितना डाल सकते हो, मगर हाँ क्वांटिटी होती है। मैंने 1 kg मटन लिया है तो मैंने 3 होल गार्लिक डाला। अब इसको कवर करके 45 मिनट तक मैं धीमी आँच पे इसको पकाऊंगी, जब तक ये टेंडर ना हो जाए। मटन अच्छे से कुक हो चुका है, देखिए गरम है ये, अच्छे से काफ़ी गरम है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सम घी। मटन है तो थोड़ा सा घी तो चलेगा ही, इस इसका टेस्ट और ही यूज होता है। स्प्रिंकल्स मीट मसाला पाउडर और सारी चीज़ें मिला लेते हैं अच्छे से। अब हम हीट को ऑफ कर देते हैं। देखिए नाइस कलर है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माय रेसिपी प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। गल गया है, अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं।